उनका दिल दिमाग खराब होता है वो हमेशा बोलने का काम नहीं भोगने का काम करते रहते हैं। और उन्हीं लोगों में से एक तेजस्वी भी है। इनके खुद धर्म के लोगों ने यह सोचा कि इसे अगर बड़ी कुर्सी में बिठा देंगे तो बड़ा रहेगा, लेकिन अफसोस कि बड़ी कुर्सी में बैठकर भी इतना छोटा है खुद इनके लोगों को नहीं मालूम था। इसीलिए किसी ने कहा कि दिल गंदा है तो फिर गंदी जुबान होगी, दिल गंदा है तो गंदी जुबान होगी, ऐसे में तुम जैसों की पहचान भी होगी। आदमी की पहचान उसके कपड़े से, उसकी कुर्सी से, उसकी धन दौलत से नहीं होती, उसकी ज़ुबान से होती है। तेजस्वी जैसे लोगों की पहचान इस वक्त पहले से ही मालूम था हम लोगों को कि क्या क्या ट्रिगरी का इंसान है, और अब तो और भी अच्छा मालूम हो गया। पहले सिर्फ मुसलमानों को मालूम था, अब इस वक्त इस इलाके के और खुसूसन कर्नाटक के सेकुलर हिंदू भाइयों को भी मालूम हो गया कि इसका कैरेक्टर क्या है, इसकी ज़ुबान क्या है, इसका दिल क्या है। इसलिए इन जैसे बेवकूफ़, अहमक, नादान और गंदे लोगों की बातों को इतना हवा भी देने की ज़रूरत नहीं है। ये पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है। जो लोग इस वक्त, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी हो, मुल्क के ऐसे हालात में हिंदू मुसलमान का इशू उठाते हैं, वो इस मुल्क के हकीकी दहशतगर्द हैं। वही असल दहशतगर्द हैं जो इस वक्त महामारी के दौर में इस मुल्क में हालात बिल्कुल नासाजगार होने के बावजूद हिंदू मुसलमान का इशू उठाना, हिंदू मुसलमान का मसला उठाना, मस्जिद और मंदिर का मसला उठाना, ये लोग हकीकी दहशतगर्द हैं। और इस किस्म के इशू उठाने वालों को गिरफ्तार करके इन पर UAPA का केस डालना चाहिए। वो तो मैं नहीं कह सकता कि किसकी तरफ से पहल होगी, लेकिन सियासी सेकुलर लीडरों की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह पहल हो चुकी है, और उससे ज़्यादा हमारे इस इलाके के सेकुलर गैर मुस्लिम उन लोगों की तरफ से पहल हो गई है। यूट्यूब में हो या व्हाट्सएप में हो या फेसबुक में हो या टेलीग्राम में हो, जितना इस इलाके के सेकुलर संजीदा, जिनके दिल दिमाग साफ है, वो लोग जितना थूक रहे हैं ना, मैं समझूंगा कि तेजस्वी खुद और उसकी अपनी पूरी नस्ल, पूरी ज़िंदगी भी ये थूक चटेगी। उम्र ख़त्म हो जाएगी, नस्ल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये थूक ख़त्म नहीं होगा। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप इस मकाम के, इस मर्तबे के या असम्बली के, पार्लियामेंट के खत्तन खत्तन लायक नहीं हैं। तेजस्वी जैसे लोगों को फौरन इस्तीफ़ा देकर बाहर निकल जाना चाहिए, और उनके धर्म और उनके आस्था के मुताबिक वो अपने पापों को धोने के लिए गंगा को जाना चाहिए। वही मैंने आपके सामने अर्ज़ किया था ना कि डी के शिव कुमार साहब भी बहुत अच्छे ख्यालात का इजहार किए हैं, हमारे बिल्कुल नहायत दोस्त और हरदिल अजीज़ ज़मीर साहब भी अपने अच्छे ख्यालात का इजहार किए। मेरा साफ साफ कहना ये है कि ख्यालात के इजहार करने से कुछ नहीं होगा। हमारे बच्चे जो मेहनत कर रहे थे मज़हब देखे बग़ैर रोज़े की हालत में, उनकी अर्थियों को उठाए, जनाजे उठाए, उनको चिता दिए, सब कुछ किए, उनको वहाँ से निकाल दिया गया। तो इस सूरत में ऐसे लीडरान जो इस वक्त बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, वो बाकायदा भूख हड़ताल बैठे बैठकर उन बच्चों को उन मकाम तक पहुँचाए, ये है कामयाबी। वरना उन्होंने निकाल दिए हमें, निकल गए, फिर उसके बाद हमें अपने जज्बात दिखा दिए। मैं समझता हूँ ये लालीपप के कामों के अलावा और कोई काम नहीं है। मक्कल हायर एजुकेशन, मगळ मदुवे, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.